Dear Sri Surya Rao Ji, dear Sri Anand Sahib, dear Sri Gami Sahib, dear Sri Sushil Kumar Ji, dear Sri Chhaya Sahib, the other senior members and team members of HSEF department and other senior members, other dignitaries, and all the soldiers who are following the principles of safety and trying to save the lives of others, not only of themselves. All those who are wedded to the principles of safety. At the outset, I am thankful to the IPCL, this Gandhar project, for giving me an opportunity of meeting you all and to participate in this 36th National Safety Day celebration being held here. At the outset, my hearty congratulations to the organizers, to IPCL, for organizing this function in such a grand manner. That itself is an indication of the willingness and the earnestness on the part of the management to go for safety. So, by the very fact that such an amount of earnestness is being created, and all those speakers they have told, from what I have gathered, I really feel that if we can go in the same way, we will be able to achieve that zero accident or zero incident. So I was also given a file containing the statistics which shows the number of reduction of accidents, for which also I would like to congratulate IPCL. I've been told to speak in Hindi so that I can reach more number of people. I hope that is okay, or should I speak in English or Hindi? तो आनंद साहब बोल रहे हैं कि आपको जिसमें बोलना हो बोलिए, मिक्स करके गुजराती। तो देखिए, हमारे रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण मिशन आपको तो मालूम है, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की 1897 में। उनके गुरुदेव ने कहा था, श्री रामकृष्ण देव ने, शिव ज्ञान से जीव सेवा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। 163 ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 40 अब्रॉड, 123 इन इंडिया, 4 गुजरात में है, राजकोट, लिमडी, पोरबंदर, नया शुरू हुआ बड़ौदा में। 18 अप्रैल 2005 को हमको वो दिलाराम मंगलो मिला, जिसमें स्वामी विवेकानंद खुद ठहरे थे, इसीलिए उसको मेमोरियल बनाया गया है, लाइब्रेरी है, मेडिटेशन हॉल है, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स, मोबाइल मेडिकल वैन, सब प्रोग्राम्स हुए हैं। तो वहां पर हमारे आश्रमों में कुछ लोग हैं, वो प्रतिदिन आते हैं, शाम को आरती होती है, ध्यान होता है, ध्यान और प्रार्थना के लिए रोज आते हैं। कुछ लोग होते हैं हफ्ते में एक बार आते हैं, डिस्कोर्स होते हैं रविवार को सुबह गीता पर, शाम को वचनामृत पर, तो डिस्कोर्स के लिए हर संडे को आते हैं। कुछ लोग होते हैं 15 दिन में एक बार आते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में किताब नहीं बदलाएंगे तो फाइन लग जाएगा, तो लाइब्रेरी में किताब बदले 15 दिन में एक बार आते हैं। और कुछ लोग होते हैं साल में केवल 5 बार आते हैं, कब, जब आश्रम में खिचड़ी प्रसाद होता है। वो रामकृष्ण देव का जीवनी, रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जन्मतिथि, गुरु पूर्णिमा और दुर्गा पूजा, ये 5 हमारे मेन फंक्शन है, कि खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए आते हैं। बहुत रामकृष्ण मिशन का वो बंगाली खिचड़ी प्रसाद बहुत फेमस है, तो उसके लिए आते हैं। तो आप लोग का खिचड़ी खिलाई जाएगी, परंतु खाने की नहीं, वो लैंग्वेज की खिचड़ी। तो उन्होंने अच्छा कहा आनंद साहब ने कि मिला करके आप बोलिए, तो आई विल ट्राई टू मिक्स अप द होल थिंग, जितना हो सके मैं मैक्सिमम हिंदी में बोलूंगा, ताकि आप लोग सभी उसको अच्छी तरह समझ सके। तो मुझे पहले बार, तो मैं जब वापस यहाँ पर आ रहा था, तो मुझे पता पड़ा कि इस प्रकार से आईपीसीएल ने काफी कुछ ये प्रयत्न किए हैं, एक्सीडेंट घटाने के, कॉलोनी के भीतर में स्पीड कम रखना, जिससे भी एक्सीडेंट कम हुए, फिर स्पेशल कैप्स दी गई है, सेफ्टी कैप्स दी गई है, और रक्षाबंधन भी बहनों ने किया, ये प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, they are really, they need compliments, because all the companies are not doing it, and you are doing it, and you are pioneering in that efforts,
सो फॉर विच आई रियली हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट द कंपनी मैनेजमेंट एंड ऑल दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट. दैट इज नंबर वन. सुशील कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों ने इंजरी तो कम हुई है और परसेंटेज भी कम हुआ, ये सब बताया, पर एक बात उन्होंने कही कि मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं. तो मंजिल तो हमारी वही है कि जीरो लेवल तक आ जाए सभी चीजों में, सेफ्टी के, जहां तक सेफ्टी का मामला है. तो इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का वाक्य आपको याद होगा. स्वामी विवेकानंद जब वापस लौटे विदेश 1897, जब अमेरिका यूरोप का प्रवास, चार साल वहां पर रहे, बाद में जब विदेश से वापस लौटे तो उन्होंने एक मंत्र दिया जिससे सारा देश जो 1000 साल तक निद्रा में था वो जागृत हो गया. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच. उठो, जागो, और लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत. तो सेम थिंग अप्लाइज टू द डोमेन ऑफ सेफ्टी. जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक सेफ्टी के लिए जो कुछ प्रयत्न आप करते हैं करते रहिए. बहुत सारी चीजें सभी महानुभावों ने कही, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए उसको वहां तक पहुंचना है. आप लोग आश्चर्य होगा, यह जो श्लोक मैंने कहा वह सब जानते हैं और उसके पहले की लाइन नहीं जानते. यह लाइन जो ली गई है, यह श्लोक लिया गया, वह कठोपनिषद से लिया गया. और वह जो लाइन है वो आपके हमारे दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी दे वर समथिंग इन कॉमन. देर इन सेफ्टी स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड एंड स्पिरिचुअलिटी सेफ्टी इज रिक्वायर्ड. ये बात कौन कहते हैं? ऋषि मुनि लोग कहते हैं. क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्रया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती. कवयो वदंती, ऋषि मुनि लोग कहते, विद्वान लोग क्या कहते हैं? क्षुरस निशिता दुरत्या दुर्गम पथ सत्कवदंती. यह जो पथ है ये बहुत बड़ा कठिन पथ है और डेंजरस पथ है, और उस पथ पर जाना कितना कठिन है? क्षुरस से धारा, तलवार की एक नोक पर चलना जितना कठिन है उतना कठिन है उस मार्ग पर चलना, ज्ञान मार्ग पर चलना. किसी भी क्षण आप गिर सकते हैं. हिमालय में जाइए, जितना ऊंचे चढ़ते जाइए उतना वक्त पथ कठिन होता जाता है, कभी कभी पथ मिलता ही नहीं है, और किसी भी समय फिसल सकते हैं, फिसल करके 35,000 फीट नीचे, थोड़ा सा फिसले की गए. तो यह अध्यात्म का मार्ग इस प्रकार से कहा गया, ज्ञान मार्ग कहा गया. सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल वहां कहा गया, ये सेफ रहिए. और सेफ रहने के लिए सबसे पहला सिद्धांत है अलर्टनेस, सावधान रहिए. यदि आप सावधान नहीं रहे तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये आप तो देखते हैं गाड़ी में जब जाते हैं. और यह जो सेफ्टी है स्पिरिचुअलिटी में जिस प्रकार से, एवरीडे लाइफ में भी, यह जीवन व्यवहार में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड. घर में रसोई बनाते समय भी सेफ्टी रखना है, प्लांट में तो सेफ्टी रखना ही है, प्रत्येक जगह पर इट शुड बिकम ए हैबिट. अभी सुबह निकल रहे थे हम लोग तो कार में वो जो बेल्ट लगाना पड़ता है, तो बेल्ट तो थोड़ा टाइट हो गया था तो निकल नहीं रहा था, वहां से फिक्स हो गया. तो ड्राइवर ने कहा साहब रहने दीजिए, कोई पकड़ता नहीं, सुबह सुबह में कोई नहीं पकड़ेगा. मैं बोला भाई कम से कम आज तो मेरे को बेल्ट पहनने थे, मेरे को सेफ्टी पर ही बोलना है आज. स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन 1 ton ऑफ प्रीचिंग. और मैं खुद ही सेफ्टी को फॉलो नहीं करूंगा तो बाद में कौन मुझे फॉलो करने वाले है? कम से आज के दिन सेफ्टी पर बोलना है तब तो मेरे को पहनने दे. ये ड्राइवर लोग का यही है. हमारा एक दूसरा ड्राइवर था, स्वामी विवेकानंद अमरीका में गए कि उन्होंने कहा था एन ऑर्डिनरी पर्सन इन इंडिया इज ऑल्सो ए फिलोसोफर. ये उन्होंने अमरीका में कहा था कि वहां तो बॉर्न फिलोसोफर है. तो हमारा ड्राइवर भी फिलोसोफर है. तो ड्राइवर को मैंने कहा कि भाई तू बेल्ट काहे को नहीं पहनता साहब, उसको हमेशा मुझे झगड़ा करना पड़ता. साहब इस रास्ते पर तो पुलिस आएगी नहीं, आएगी तो आपको देखेगा, ये वाला जो ड्रेस है ना उससे ऊपर में लाइसेंस है, उससे हमको बोलता ही नहीं कुछ, तो बाजू में आप बैठे रहिए तो हमको कुछ नहीं बोलता. ये साधु है ना सन्यासी, तो इंडिया में ये परवाना चलता है, सब जगह में लाइ जाइए जाइए. तो वो कभी नहीं पहनता बेल्ट. फिर मैंने कहा कि देख भाई
ये बेल्ट है। केवल पहली बात तो हम लोग सभी को बोलते रहते हैं कि सबको नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं फॉलो करना चाहिए? उसके लिए भी फॉलो करना चाहिए। और मान लो अब तुम एक्सप्रेस हाईवे में जा रहे हो, वहां तो पुलिस नहीं है, पर वहां पर तो ये जो रूल बनाया गया इसलिए कि मान लो एक्सीडेंट हो गया तो बेल्ट पहन रहा होगा, ये नियम क्यों बनाया गया है? इसलिए नहीं बनाया गया आपको परेशान करने के लिए, नियम इसलिए बनाया गया आपकी सेफ्टी के लिए। तो ड्राइवर तो फिलोसोफर है, हम लोग साथ रह गए फिलोसोफर। बोले स्वामी जी आप जानते नहीं है, ये जीवन तो क्षणभंगुर है। हमको कुछ सिखाता है, जीवन तो क्षणभंगुर है। देखिए हमारी किस्मत में यदि मरना होगा एक्सीडेंट से तो बेल्ट बांधेंगे तो भी मरेंगे, नहीं बांधेंगे तो मरेंगे, तो काहे को बेल्ट पड़ता पहनता व्यक्त, तो क्यों बेल्ट पहनना मैं? ये हम लोग को सीख। इस प्रकार से डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स, जो कहा ना वो बात सच है, शैतान भी वो स्क्रिप्चर कोट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को इस प्रकार की फिलोसॉफाइजिंग नहीं करना है, हमको धरातल पर रहना है, व्यावहारिक धरातल पर रहना है। बोलते के समय तो बोलते रहे क्या है, जीवन क्षणभंगुर है, पत्नी विधवा होगी तो दूसरा बाद में विवाह कर लेगी, अजय अभी जालो डालो केमिकल प्लांट में अपना हाथ डाल दो, बाईपास जैसे कहा ना आनंद साहब ने, बाईपास प्रोसीजर को बाईपास कर दो, फिर बाईपास करने के बाद में फिर हम लोग खुद बाईपास हो जाते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेफ्टी वी हैव टू मेक एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। तो अभी अभी सूर्य राव जी ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, सुशील कुमार जी ने बातें कही, मिस्टर आनंद ने बहुत अच्छी बातें कही, उन सबका सारांश मैंने बनाया है कि ये जो सेफ्टी जो है, चार बातें यदि हम याद रखें तो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, घर में भी, रास्ते में भी और प्लांट में भी, ये चार बातें हम यदि ये ध्यान रखेंगे तो हमारे सेफ्टी के लिए वी विल हैव टेकन प्रॉपर केयर। केयर लेना हमारे हाथ में, माफ ऋषु कदाचन, कर्म का अधिकार हमको अधिकार है, वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चार हैं याद रखने के लायक, यहाँ कंप्यूटर में फिट कर लीजिए, ए बी सी डी, बस चार, ए बी सी डी, सबको मालूम है ए बी सी डी को ही फिट करना है। व्हाट इज ए? ए इज अलर्टनेस, यू हैव टू बी अलर्ट। सावधानी यदि हटी तो दुर्घटना घटी। उसी प्रकार से हमारे पास ऑपरेशन नियम भी है, ऑपरेशन का मैनुअल भी है, परंतु उसका हम पालन नहीं करते हैं। सो दैट इज नंबर वन, अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन हु इज वर्किंग देयर, द सुपरवाइजर हु इज ऑल्सो सुपरवाइजिंग, एंड ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, इफ दे आर अलर्ट, पर्टिकुलरली द डायरेक्टली पर्सन हु इज डीलिंग विद द प्लांट, अलर्टनेस यदि चली जाती है, आप देखेंगे जितने एक्सीडेंट होते हैं बेसिकली इट इज ओनली वन फंडामेंटल रीजन इज अलर्टनेस थोड़ी कम हो गई। चाहे प्लेन का एक्सीडेंट हो, कार का एक्सीडेंट हो, स्कूटर का एक्सीडेंट हो, रसोई घर में हो या फिर प्लांट में हो, एक्सीडेंट हैपन्स ड्यू टू अलर्टनेस, लैक ऑफ अलर्टनेस। तो नंबर ए इज अलर्टनेस। बी, बहुत अच्छी बात कही, बिहेवियर पैटर्न, इतनी अच्छी बात कही सूर्य राव जी ने HSEF में, उन्होंने कहा फर्स्ट एच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्ट, यू शुड फील फ्रॉम द हार्ट। आपका खुद का लड़का यदि जा रहा है तो आपको कैसे फील होगा? सो बिहेवियर विथ अदर्स एज इफ दे आर योर वेरी ओन। और वेदांत की दृष्टि से और आगे वन स्टेप कहें, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आऊंगा, वेदांत की फिलोसॉफी अत्यंत संक्षेप में, व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी संक्षेप में कहूंगा, बिहेव विथ अदर्स एज इफ यू आर देयर, नॉट यूर ओन सन इज देयर बट यू आर देयर। क्यों? यू एंड ही, द पर्सन हु इज गोइंग टू दैट पर्टिकुलर स्पॉट आर नॉट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वेदांत। जो कुछ है सो तू ही है, सेम आत्मन हु इज प्रेजेंट हियर इन योर सेल्फ इज प्रेजेंट इन दैट लेबर, इन दैट वर्कर, इन दैट ऑपरेटर। तो बिहेवियर विथ अदर्स एज इफ दे आर योर वेरी ओन और दे आर योर ओन सेल्फ। थर्ड, सी, सी इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हम लोग का मन जो है बिखरा हुआ रहता है। डू वन थिंग एट ए टाइम जो कहा गया है, वी डू नॉट डू, हमारा माइंड वॉन्डर करता है। इट ऑलवेज वी आर नॉट फोकस्ड, वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कॉन्सेंट्रेशन इज की टू सक्सेस। एमर्सन ने कहा द की टू सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता।
और एक्सीडेंट को प्रिवेंशन के लिए भी, सेफ्टी के लिए भी, सब जो रहस्य है मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरी एक बात आनंद साहब ने अच्छी कही, कॉम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो सी, कॉम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और डी है, डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। वन इज डिसिप्लिन, जो ऑपरेशन मैनुअल रखा गया है उसको अंदर डिसिप्लिन में रहने से ऑटोमेटिकली हमारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। और डेडिकेशन, निष्ठापूर्वक यदि करेंगे, जैसा उन्होंने आनंद साहब ने कहा कि वी डू नॉट बाईपास दी प्रोसीजर, सिस्टम को हम कभी बाईपास नहीं करते हैं, वी डू नॉट मेक ए शॉर्टकट, वी डू नॉट मेक ए कॉम्प्रोमाइज विथ सेफ्टी। सो दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, ये डेडिकेशन, निष्ठा बहुत आवश्यक है। थर्ड थिंग इज डिवोशन, दैट इज द रूट कॉज ऑफ द होल थिंग। वॉट इज डिवोशन टू वर्क? डिवोशन टू वर्क मीन्स कन्वर्टिंग वर्क इन टू वर्शिप। एंड वाई शुड वी कन्वर्ट वर्क इन टू वर्शिप? दैट इज द मेन थिंग वी आर कमिंग, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आनंद साहब ने कहा कि हमारा तो गोत्र ही आनंद है, पर इनके नाम में आनंद है ना? पर सचमुच में जितने यहां बैठे हैं वो सभी के भीतर में आनंद है, सभी के भीतर में आनंद है। और सभी का जो सच्चा स्वरूप है वेदांत के अनुसार, हम सब के भीतर में देर इज अ सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कॉल्ड आत्मा। और उस आत्मा का स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। ये आनंद सभी के भीतर में है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमको हमेशा आनंद में रहना चाहिए। When we are morose, at that time we make accidents. When we are morose, at that time we spoil our human relationship. When we are morose, it is at that time we commit a mistake. But जब आनंद में रहते हैं तो हमसे मिस्टेक नहीं होती, आनंद में रहो। तो स्वामी विवेकानंद हमेशा आनंद में रहते थे। तो वहां पर अमेरिका में जब गए तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब लेक्चर देते थे बड़े सीरियस रहते थे, लेक्चर के बाद आइसक्रीम पार्टी, मजा करते थे, ठहाका मार के हंसते थे। तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो धार्मिक गुरु होने चाहिए, वे एकदम सीरियस रहेंगे, लॉन्ग फेसेस, दे आर सपोज टू बी वियरिंग लॉन्ग फेसेस। तो फिर एक शिष्या से नहीं रह गया, एक अमेरिकन लेडी से नहीं रह गया, स्वामी यू ऑट टू बी लिटिल सीरियस, यू आर अ रिलीजियस क्रीचर। स्वामी जी आप धर्मोपदेश है, आपको तो गंभीर रहना चाहिए, क्या हमेशा इस प्रकार हंसते रहते हैं? स्वामी जी तुरंत जवाब, मैडम इट इज नॉट दैट आई एम ऑलवेज लाइक दिस, आई टू बिकम सीरियस व्हेन आई गॉट स्टमक एक। क्या मैं ऐसा नहीं तो कभी हमेशा हंसते रहता हूं, कभी कभी मैं भी सीरियस हो जाता हूं। कब? जब पेट का दर्द होता है। पेट का दर्द नहीं है फिर भी इस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार का चेहरा बना के रखते हैं जैसे मानो केरोसिन पिया हूं। ऐसा कई लोग उस प्रकार का चेहरा रखते। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। हमेशा आनंद में रहिए तो स्मित रहिए, तो आप किसी भी प्रार्थना के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। इसीलिए फिर स्वामी विवेकानंद ने उस मैडम को कहा, वाई शुड वी बी मोरोज, वाई वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। हम उस आनंद के संतान हैं, हमारा सच्चा स्वरूप आनंद है, तो हम क्यों दुखी रहेंगे? हम क्यों इस प्रकार से अपना मुंह इस लटकाए रहेंगे? नहीं, हम आनंद, क्यों? हम आनंद के संतान। तो यही संदेश उन्होंने दिया, शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जो सभी प्रकार के दुखों से परे है। वह जो परम चैतन्य तत्व है, वह परम चैतन्य तत्व हम सबके भीतर में। तो स्वामी विवेकानंद ने सारे वेदांत का सार राजयोग के इंट्रोडक्शन में देते हुए कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worship, temples, books are but secondary details. उन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है, दिव्यता विराजमान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अंतर्निधि वह दिव्यता विराजमान है।
परंतु वह विराजमान तो है परंतु छुपी हुई है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके। यह कैसे हो सकता है? चार युगों के समन्वय के द्वारा हो सकता है। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक दो तीन अथवा चारों योगों के समन्वय के द्वारा उस दिव्य आत्मा को प्राप्त करके परम सुख परम शांति प्राप्त करना। गमित साहब ने कहा कि टेंशन का युग है, टेंशन के युग के लिए वेदांत ने कहा वेदांत का मृत्यु भीतर में शांति है। कहां ढूंढते हो? मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो भी मिलूंगा पल भर की तलाश में। कबीर कहते हैं शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में, हम भटक रहे हैं। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। वह मृग कस्तूरी मृग भटक रहा है, बहुत भटक रहा है, दौड़ता है दौड़ता है, वहां हिमालय में पाया जाता है, दौड़ दौड़ के मर जाता है। क्यों? कहीं से उसको कस्तूरी की गंध आ रही है, उसको ढूंढ रहा है। बाद में जब मर गया पता पड़ा कस्तूरी उसके पेट में थी और चारों ओर ढूंढ रहा था। उसी प्रकार से कहते कहां तुम जा रहे हो? सुख शांति की खोज में हम जा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए के चश्मे मिलते हैं दिल्ली में, और ये 80,000 का सफारी सूट देखने रखने मुंबई में, उसके लिए ढूंढ रहे हैं। चोर सोचते हैं इतने जूते आएंगे, इतनी कार आएंगे, लेटेस्ट मॉडल कार आएगी, शांति मिल जाएगी। मिलती है? मिलती तो है, पर टिकती नहीं है। एक हफ्ते के रही जहां पड़ोसी के पास लेटेस्ट मॉडल कार आई, मुंह छोटा हो गया, खत्म शांति के। इसलिए कहा वेदांत में, कहां ढूंढते हो शांति की खोज में? शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में, उस आत्मा का, उस दिव्यता का अभिव्यक्त करो। उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? जंगल में, गुफा में, हिमालय में? नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा व्हाट वी वांट इज प्रैक्टिकल वेदांत। हमें वेदांत की आवश्यकता नहीं, ऐसे वेदांत की आवश्यकता जो जीवन व्यवहार में काम में लाया जा सके। और वो कैसे कर सकते हैं? जो कुछ हम काम करें उसको करते करते कर्म योग बस कर लो, और कुछ नहीं करना है उसमें। चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ माइंड, व्हाटएवर वर्क आई एम डूइंग इज वर्शिप। जो कुछ भी काम मैं करता हूं वह कार्य नहीं है, पूजा है। यह एटीट्यूड रखें। भक्ति योग प्रार्थना, ज्ञान योग यह सदग्रंथों का अध्ययन, राजयोग ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हमारे नैतिक नियमों का पालन, और ध्यान यह राजयोग, और चौथा कर्मयोग जो हमारे सबसे महत्व का है, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एक मिनट भी श्री कृष्ण भगवान गीता में नहीं कहते हैं कि एक मिनट के लिए भी एक्स्ट्रा काम जाओ, जो काम जितना समय है तुम्हारा उसी करो, वही काम करो, एक्स्ट्रा काम करने की बात नहीं है। फिर भी उसी काम के द्वारा, वही काम तुम जो करते हो उसको यदि योग की दृष्टि से करोगे, योग कर्मसु कौशलम, वही कर्म की कुशलता यदि होगी तो योग तुमको दिला देगा, भगवान की प्राप्ति दिला देगा। अभी तक तुमको क्या दिलाता है? अच्छी तरह से काम करोगे, डेडिकेशन से काम करोगे तो क्या होगा? प्रमोशन मिलेगा, टीएडीए मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, इंसेंटिव स्कीम होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। डिवोशन यदि आएगा, यदि कर्म पूजा बन जाएगा, तो वही काम करते करते एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है, टीएडीए सब मिलता रहेगा, कुछ काटेंगे नहीं। हाँ, ये रिलायंस ये जो आपके ये सब ऑफिसर लोग को पूछिए कि यदि हम आज से जो कुछ काम है उसको कर्म के बदले कर्म योग के रूप में करेंगे तो कितना काटेंगे? कुछ नहीं काटेंगे, बल्कि योगा कर्मों से कौशलम, जब कर्म को पूजा के रूप में लेंगे तो पूजा में हम श्रेष्ठ पुष्प देते हैं, भगवान को जो चढ़ाते हैं तो श्रेष्ठ पुष्प चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब हम काम करेंगे भगवान के लिए तो श्रेष्ठ काम करेंगे, जीरो डिफेक्ट विल कम ऑटोमेटिकली। जापान में अभी आया और हम लोग सोच रहे हैं जापान ने बहुत कमाल कर दिया जीरो डिफेक्ट, अरे श्री कृष्ण भगवान ने 3,000 साल पहले जीरो डिफेक्ट की बात कही, योग कर्मों से कौशलम, कि काम निपुणता से होना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट अपने आप आ जाए। 100% इफिशियंसी, जीरो डिफेक्ट, TQM ISO स्टैंडर्ड से पहले से श्री कृष्ण भगवान ने दे दिया। काम करो, यह कर्म प्रत्येक कर्म पूजा है, ईश्वर का मान के करें तो क्या होगा? उस परम चैतन्य की उपलब्धि हमें दैनिक जीवन का कार्य करते करते हो जाएगी, तो उसके साथ हमको दैनिक जीवन में सुख शांति तो मिलेगा, परंतु शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। और यदि हम प्रत्येक कर्म को कर्म के कर्म योग के रूप में करेंगे तो सेफ्टी अपने आप आ जाएगी। क्यों सेफ्टी अभी क्यों नहीं है? सावधानी नहीं है, अलर्टनेस नहीं है। अलर्टनेस क्यों नहीं है? डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि डिवोशन नहीं है।
जब हम प्रत्येक कर्म को कर्म योग के रूप में लेंगे और प्रत्येक कार्य पूजा बन सकता है। हमको सोचते हैं भाई इंडस्ट्री में काम करते करते हमको भगवान प्राप्ति हो जाएगी, ये तो आपने नया कहा। मैंने नहीं नया कहा, हमारा पुराने बात है। स्वामी विवेकानंद का कर्मियों का पुस्तक पढ़िए, वो कहानी के द्वारा मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। बहुत सुंदर कहानी दी है। एक योगी बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो दो पक्षी आपस में झगड़ने लग गए, उसके कारण कुछ सूखे पत्ते योगी के सिर पर पड़े। तो योगी ने सिर पर पड़े तो उसका ध्यान भंग हो गया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से उसने देखा क्या हो रहा है, देखा तो दो पक्षी आपस में लड़ रहे हैं। पर उसने जब गुस्से से देखा तो क्रोध के कारण उसकी आंख में से एक रोशनी गई, जा करके दोनों पक्षी जाकर के उसी समय जल करके भस्म होकर नीचे गए। योगी तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे मुझ में इतना योगी पावर आ गया कि मुझ में क्रोध आने से पक्षी जल के भस्म हो जाते हैं, बड़ा खुश हुआ। कुछ घंटों के बाद गया वहां पर गांव में भिक्षा के लिए, भिक्षा आमदे ही जाकर के खड़ा रहा, तो भीतर से एक स्त्री की आवाज आई, साधु बाबा महात्मा जी थोड़ी देर राह देखिए, मैं थोड़ी देर आकर के आपको फिर भिक्षा देती हूँ। अभी योगी राज यहाँ पर साधु बाबा सोचने लगे, योगी जी थे, अरे ये स्त्री की इतनी मजाल, मुझे कहती ठहरिए खड़े रहिए, मालूम नहीं मेरा कितना योगी पावर है। इतना सोच रहा है तब तक मैं फिर से स्त्री की आवाज आई, साधु बाबा बहुत ज्यादा गर्व मत कीजिए, ये कोई पक्षी नहीं जो आपके हाथ से जल जाएगा। अरे कहां जंगल में घटना हुई और ये स्त्री को कैसे पता पड़ा। थोड़ी देर बाद वह स्त्री बाप आई भिक्षा देने के लिए, बोले भिक्षा बाद में लूंगा, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको ये योगी आपको विद्या कैसे आ गई, वहां दूर जंगल में घटना घटी और आपको यहाँ पर पता लग गया, ये योगी पावर आपको किस साधना के द्वारा हुआ, आपने क्या क्या साधना की। तो उसने कहा देखो मैंने कोई योगिक साधना नहीं की, ये पावर्स तो अपने आप मेरे पास आ गए, मुझे अपने आप पता लग जाता है कहाँ क्या होता है, परंतु मुझे मैंने कोई योगिक साधना नहीं की। तो आपने कोई साधना नहीं की। नहीं कोई साधना नहीं की, हाँ इतना है कि मैं जो कुछ भी कार्य करती हूँ उसको ईश्वर की पूजा के रूप में करती हूँ और पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ, मेरे पति की सेवा करती हूँ, मेरे बच्चों को संभालती हूँ, मेरे सास ससुर की सेवा करती हूँ, जब मैं मायके में थी तब अपने माता पिता की सेवा करती थी, छोटे भाई बहन की सेवा करती थी, उसके सिवा मैंने कोई योगिक साधना नहीं की, उसी से मुझ में इतना ज्ञान आया है। परंतु यदि आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो फलाने गाँव में जाइए, वहां पर एक व्याध है, वो आपको ज्यादा ज्ञान देंगे। योगी ने कहा मुझे एक व्याध के पास जाना, कसाई के पास जाना ज्ञान के लिए, पर थोड़ी सी तो अहंकार कम हुआ था, अच्छा जाके देखे सही। गए वहां पर, गांव के नजदीक पहुंचे, अभी गांव के भीतर प्रवेश किया, देखा दूर एक दुकान है, एक मोटा व्याध एकदम बैठा हुआ है, वो व्याध वो कसाई, मोटा सा व्याध बैठा एकदम दिखने में खराब, और मांस के टुकड़े काट रहा है और बेच रहा है। अरे दे दे, ये व्याध के पास मुझे ज्ञान लेना है, नहीं नहीं नहीं, वापस जाने लग गया। उतनी देर में व्याध ने बताया जोर से, ओ महात्मा जी वो वहां की औरत ने आपको भेजा है, वो बहन जी ने, आइए आइए। अरे इसको कैसे पता पड़ा, उसे मोबाइल का जमाना नहीं था कि आपको लगा होगा मोबाइल कर दिया होगा, ये मोबाइल के जमाने की कहानी नहीं है, ये कैसे पता, आइए आइए। अब तो जाना ही पड़ा, जाके देखा तो उसके बाद बाबा जी थोड़ी देर ठहरिए मैं अपना काम निपटा करके आता हूँ, दुकान बंद किया, चलिए घर गया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, फिर खाना खिलाया, अतिथि सेवा की, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, सब हो गया। फिर बोली अब बोली आप क्या प्रश्न है, तो कितने सारे प्रश्न पूछे उस कौशिक मुनि ने और सबके इतने सुंदर उत्तर दिए, ये सभी उत्तर ज्ञान के उच्चतम उत्तर महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है, व्याध गीता है, उसमें व्याध ने जो जो प्रश्नों के उत्तर दिए इतना उच्च ज्ञान उसमें है। अंतिम प्रश्न कौशिक मुनि ने पूछा, महात्मा जी इतना आपका ज्ञान है, इतने आप बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी इस प्रकार का निकृष्ट कार्य क्यों करते हैं। तब व्याध ने कहा देखो वत्स, इस संसार में कोई भी कार्य अच्छा नहीं, कोई भी कार्य बुरा नहीं, कोई भी कार्य उत्कृष्ट नहीं, कोई भी कार्य निकृष्ट नहीं। कार्य उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता है, कार्य किस भावना से किया जाता है। यदि उत्कृष्ट भावना से किया जाए, ईश्वर की पूजा के लिए किया जाए, तो कोई भी कार्य पूजा बन जाता है। तो यदि एक कसाई का काम पूजा बन जाता है,
तो आप लोग प्लांट में काम कर रहे हैं, इतने लोगों के रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, यह जो केमिकल इंडस्ट्री उसके कारण कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और फिर उसके कारण जो बिजनेस हो रहा है उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, कितना बड़ा महान यज्ञ चल रहा है। इस प्रकार के यज्ञ की प्रकार कितनी बड़ी जो इंडस्ट्री है, इस प्रकार के यज्ञ में आप आहुति दे रहे हैं, आपका कार्य पूजा नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। यदि कसाई का काम अवश्य बन सकता है तो ये आपका कार्य भी बन सकता है। आप भले छोटे से ऑपरेटर हो पर आपका भी बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? कि आप यदि इसको पूजा के रूप में करेंगे तो इस कार्य के द्वारा विश्व का कल्याण होगा, एक। दूसरा, आप इसी कार्य के द्वारा उस शाश्वत सुख और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सबके भीतर में। अंत में एक गीत के बारे में मैं बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद का बहुत ही वह प्रिय गीत था, वेरी फेवरेट सॉन्ग, और रामकृष्ण देव का बहुत प्रिय था। दोनों उच्च गायक थे। जब स्वामी विवेकानंद आते कॉलेज के विद्यार्थी नरेंद्रनाथ, तो रामकृष्ण देव कहते नरेंद्र गीत गा, तो बहुत गीत गाते। बोले मैं चला नहीं, वो गीत पहले गा, बाद में तुमको छोड़ूंगा। वह गीत नरेंद्र का भी प्रिय गीत, स्वामी विवेकानंद का प्रिय गीत और रामकृष्ण देव का प्रिय गीत। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट का द्वारा लिखा गया वो गीत है। एक्चुअली तो वह सूफी गीत है, वो तो सूफी संत थे और वेदांत का सारा ज्ञान उसमें आ गया। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सारे विश्व में वही परम चैतन्य तत्व तो विराजमान है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो आत्मा विराजमान है, ए सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। त्वम स्त्री त्वम कुमारसी त्वम कुमार उत्वा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः। हे प्रभु, तुम्ही स्त्री हो, तुम्ही पुरुष हो, तुम्ही वह वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है, प्रभु तुम्ही सर्वत्र तुम्ही तुम हो, श्वेता श्वेतम पृष्ठ की बात है। और फिर बाद में कहा, काबा में क्या देवल में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जहां, सभी ने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। प्रत्येक जगह श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में विभिन्न धर्मों की साधना की, हिंदू धर्म की साधना की, इस्लाम धर्म की साधना की, ईसाई धर्म की साधना की। ईसाई धर्म की साधना के बाद जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए, इस्लाम धर्म के साधना के मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए, करके उन्होंने कहा जितने मत उतने पद, सभी धर्म एक ही परम सत्य की तरफ ले जाते हैं। अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्श बरी तक, जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही। ईशा आवासमिदं सर्वं यत्किंच जगत त्याम जगत तेन तक तेन भूंजी था मां गृह कश्य सिद्धनम। प्रत्येक जगह पर वही परब्रह्म परम चैतन्य तत्व ओत प्रोत है। अभी मॉडर्न साइंटिस्ट भी मानते हैं मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इट इज अ होलिस्टिक यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज अ होलिस्टिक यूनिवर्स। बेल्स थ्योरम सेज ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द होल यूनिवर्स आर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड एट अ डीपर लेवल व्हिच हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय डेविड बोम ए नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट एंड दैट इज व्हाई अनदर नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट श्रोडिंगर सेज कॉन्शियसनेस इज अ सिंगुलर ऑफ व्हिच द प्लूरल इज अननोन। और परम चेतन एक है, दो नहीं है, मैं और आप जुदा नहीं है। सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू ही। यदि ये बात हम याद रखें कि वह जो ऑपरेटर जो उस चेंबर में जा रहा है वो और मैं अलग नहीं है, तो सेफ्टी के 100% प्रिकॉशन हम अवश्य पालन करेंगे। धन्यवाद।